हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं नोटपैड के फाइल मेनू के बारे में, कि नोटपैड का फाइल मेनू होता क्या है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है और किस लिए किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन करते हैं। देखिए, मैंने कल इंट्रो करा दिया था इसका, इसके बारे में समझा भी दिया था। अब देखो, मैं आता हूं यहाँ पे फाइल मेनू में, और मैंने कल शॉर्टकट की भी लिखवा दिया था। अब फाइल मेनू देखो, सबसे पहला ऑप्शन है न्यू, दूसरा है न्यू विंडो, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट। इन सभी ऑप्शनों के बारे में एक एक करके समझने वाले, जानने वाले। तो चलो, सपोज मैं कुछ बनाने वाला हूं, तो मैंने एक हेडिंग दे दिया इनपुट डिवाइसेस। क्या दे दिया हमने? इनपुट डिवाइसेस। और थोड़ा सा मैंने क्या कर लिया, इसको बीच में लेके चलाया। क्लियर है? उसके बाद से बाहर कर्सर करूंगा क्लिक, इंटर दबाऊंगा, और मैं फर्स्ट पॉइंट देता हूं 1.1 या 1 पॉइंट कर देता हूं। और मैंने बताया कीबोर्ड, किसके बारे में? कीबोर्ड के बारे में। सेकेंड, माउस। थर्ड, स्कैनर। फोर्थ, ओसीआर। हर एक टाइप हमने कर दिया। ये क्लियर है सबको? मतलब आप लोग भी पेज ओपन करना, ओपन करने बाद से जो मैटर आपको याद आए वो आप टाइप करना। अब टाइप करने के बाद से, मैंने कल बताया था आपको कि फाइल पे जाने के बाद से अगर मैं सोच रहा हूँ इसको सेव कर दूं, तो देखो पहले से बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव है? अनटाइटल्ड। तो मैं सेव करना चाहता हूँ, तो बस मैं आऊंगा फाइल पे और सेव पे क्लिक करूंगा। अब सेव पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर लोकेशन पूछा जाएगा, कहाँ पे आपको रखना है यह डाटा। तो डॉक्यूमेंट से, इसलिए डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया। और किससे रिलेटेड है? तो इनपुट डिवाइसेस, तो मैंने लिख दिया इनपुट डिवाइसेस। और जो इनपुट डिवाइसेस से पहले सेव है, तो हम इनपुट डिवाइसेस को ऑन कर देते, समझे? और इसको कर देते हम यहां से सेव। तो देखो, जैसे मैंने इसको सेव किया, तो देखो इनपुट डिवाइसेस वन के नाम से सेव हो गया। क्लियर है सबको? किसके नाम से सेव हो गया? इनपुट डिवाइसेस वन के नाम से यहाँ पे सेव हो गया। अब सवाल यह कि सर, अगर मान लीजिए हमने सेव तो कर दिया, अगर फिर से फ्यूचर में इसका इस्तेमाल करना है, फिर से हमको डाटा कुछ बनाने हैं, तो क्या इसको सेव करेंगे तो फिर से इसमें सेव होगा? तो ध्यान देना, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर से कहाँ पे आता हूँ? दिस पीसी में, और कहाँ पे? डॉक्यूमेंट्स में। और जो अभी सेव किया हूँ इनपुट डिवाइसेस वन के नाम से, फिर से डबल क्लिक किया, तो आ रहा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। फिर से मैं आता हूँ कुछ और बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा 5 पॉइंट क्या, तो मैंने बताया ओ एम आर। 6 में हमने दे दिया एम आई सी आर, या इनपुट डिवाइसेस के नाम है। अब मैं बताओ, यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस तो पहले से कितना सेव था? 4 सेव था, लेकिन अगले दिन में 2 और बना दिया, तो फाइल पे आएंगे, सेव कर देंगे। तो क्या सेव हुआ है? हुआ है। कहाँ पे सेव हुआ है? उसी लोकेशन पे, उसी नाम से। अब क्लोज करेंगे, फिर से अगले दिन आएंगे या बाद में हम ओपन करेंगे, तो फिर से देखो ये दिखाएगा। क्लियर है सबको? मतलब एक बार डाटा अगर हमने सेव कर दिया, सेव करने के बाद फिर से उस पर कोई काम करते हैं और फिर से दोबारा उसी में सेव करना चाहते हैं, तो हम ऐसा कौन सा बटन दबाएंगे? सेव, या क्या शॉर्टकट की दबाएंगे? कंट्रोल प्लस यस। समझे? मतलब आप कितना सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके डाटा बना दिए, अगर उसको सेव नहीं करते हो और अचानक आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो आप बताओ 1 घंटे का 2 घंटे का, ठीक है, और ये 8 घंटे का जो काम किए हो, वो डाटा सेव रहेगा? नहीं रहेगा। तो आप कहीं काम करोगे, सुबह से लेकर शाम शाम तक काम किया, आप कोई आउटपुट आपको दिखाते नहीं हो अपने ओनर को, अपने मालिक को, तो आपको काम पे रखेगा? तो
नहीं रखेंगे। चलो मान लो आपका ही काम है, सुबह से लेकर शाम तक काम किया, 2 घंटा काम किया और पता चला 2 घंटे के बाद जितना हमने काम किया डिलीट हो गया, ठीक है, तो काम करने का कोई मतलब है? नहीं है। तो इसके लिए काम करने का मतलब कब होगा? जब उसको सेव करेंगे और उसका इस्तेमाल हम फ्यूचर में करेंगे। सेव इसीलिए करते हैं। तो आप बताओ सेव करने का तरीका क्या है? डाटा बनाए और बनाने बस कहाँ गए? फाइल पे क्या कर दिया? सेव कर दिया। फिर अगले दिन काम करना, फिर वहां पर जाएंगे, काम करेंगे, सेव करेंगे, काम करेंगे, सेव करेंगे, वो फाइल हमारा डाटा बड़ा बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। क्लियर है? सेव के बारे में कोई पूछे तो बता दोगे आप लोग? सेव का क्या यूज है बोलो? एक देखो इसी बगल में एक और ऑप्शन है, सेव है। तो कई लोग परेशान रहते हैं कि सर सेव और सेव एज में अंतर क्या है, ठीक है? तो चलो मैं सेव और सेव एज में अंतर बताता हूँ। एक तो ये खुला है, खुला रहने देता हूँ, मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा एक बार और कुछ बना के मैं आपको दिखा दूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। नोट पैड पे आ गया और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, मान लो हम जो पढ़ाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल में हमको क्या क्या पढ़ाना है, वो टॉपिक हमको मेंशन करने हैं। तो मैंने मेन टास्क दे दिया, फर्स्ट में क्या पढ़ाना हमको? कंप्यूटर फंडामेंटल, समझे? अब इसमें हमको क्या पढ़ाना है? तो टैब बटन दबा देंगे और बताना हमको क्या? 1.1 का 1। तो सबसे पहले फर्स्ट हम पढ़ाने चाहते हैं, बताना चाहते हैं मेन टॉपिक वाला, व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है? फिर से इंटर बटन दबाएंगे, टैब बटन दबा देंगे, यहाँ पे आ गए ना। और टैब बटन दबाने के बाद क्या दबाएंगे? फिर से यहाँ पे करेंगे 1.1 का 2, समझे? फिर से स्पेस बटन दबाएंगे, ठीक है, और फिर से उन्हें लिख दिया एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है बाबू? ऐसे हमने मेंशन कर दिया, तो ऐसे बना लोगे ना बनाने? ऐसा नहीं ना मैं अब लिख के तुमको दिखाऊं, फिर से ऑप्शन आ जाएगा। लिखने का तरीका भी ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग 2 दिन से काम कर रहे हो या कल से काम कर रहे हो तो टाइप कर ले जाओगे अब, ठीक है? मैं बार बार लिख के नहीं समझाऊंगा, ऑप्शन के बारे में ज्यादा बताऊंगा जिससे आपको बेटर तरीके से समझ आएगा। पॉइंट टू पॉइंट लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आता हूं मैं यहाँ पे, जो मेरा पहले से डाटा बना था फिर उसी पे आ जाता हूँ। अब आप बताओ, मैं सोच रहा हूँ आज मैं जो डाटा बनाया हूँ इतना आज में रहे, लेकिन मैं फिर से जो डाटा इस समय प्रेजेंट टाइम में बना रहा हूँ, क्या इंटर दबाया और 7 नंबर पे बता दिया हमने, माइक्रोफोन, एट नंबर पे हमने बता दिया, कार्ड रीडर, 9 नंबर पे बता दिया, पासपोर्ट रीडर, 10 पे बता दिया हमने, ठीक है, इतना टाइप कर दिया। अब टाइप करने के बाद से अब देखो, अभी इनपुट डिवाइसेस में कितना सेव था? 6 सेव था। लेकिन अगर मैं फाइल पे आता हूँ और फिर से इसी में सेव कर दूंगा तो 6 सेव था और 4 और मैंने बनाया था, 10 सेव हो जाएगा ना। लेकिन मैं सोचा नो, 4 कल तक जो काम किया था वो 4 ही 5 ही जितना बनाया था वो नहीं देता हूँ, और आज जो मैं बनाया हूँ 5 कितना था पहले से जी? 6 था, तो 6 हुआ और 4 अभी तुरंत बनाया हूँ। ये 10 किसी दूसरे नाम से किसी अदर लोकेशन पे हमको सेव करना है, मतलब कल वाला जो डाटा था कल में रहने देखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कल वाला और आज वाला दोनों जो मैं काम किया हूँ दोनों किसी अदर नेम से हमको सेव करना है, ठीक है, उसी लोकेशन पे या अदर किसी लोकेशन पे। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? सेव ना करके वहां पे सेव एज करते हैं। क्या करते हैं? सेव एज करते हैं। तो सर क्या मतलब है? क्लियर नहीं हो पा रहा। सपोज मान लीजिए आज की डेट में 11 है,
आज के डेट में हमने काम किया, कुछ दो चार लाइन हमने लिखा, फिर तुम अगले दिन आए इसी को खोला, फिर से उसी डेट में हम लोग मान लो अगले डेट में 12 तारीख को काम करेंगे, सेव करेंगे, फिर उसी में सेव हो जाएगा, फिर से 13 तारीख को आया, फिर उसको खोला और जब सेव करें उसी में सेव हो जाएगा। लेकिन मैं सोचा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, आज के डेट में जो काम किया आज के डेट में रहे, कल मैं जब जा रहा हूँ तो कल वाला जो काम किया और जो आज वाला काम कर रहा हूँ दोनों आज की डेट में सेव हो जाए, जिससे पता चले कि 1 तारीख को कितना बनाया था और 2 तारीख को कितना बनाया, फिर अगले दिन 3 तारीख को कितना बना था, तो एक एक करके अलग अलग फाइल हमको क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमेशा हमको सेव ऐड करना पड़ेगा। तो यूं कह लो जब भी उस फाइल का रिनेम करना है, नाम चेंज करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, सेव ऐड करते हैं। अब चाहे डाटा सेम हो चाहे डाटा अलग अलग हो, मतलब डाटा जितना रहेगा उतना ही सेव एज में दिखाई देगा, अब चाहे 1 लाइन हो चाहे 10 लाइन, ठीक है। अब कहोगे सर अगर मान लीजिए जितना पहले से सेव है अगर उस पे सेव एज करेंगे तो नहीं होगा, होगा, जितना बार दबाओगे उतना बार लोकेशन खुलेगा, कहेगा किस किस नाम से सेव करना चाहते हो, तो यूं कर उसका डुप्लीकेट कॉपी कितना बनाना चाहते हो अलग अलग नाम से बना, समझे, ऐसे कंडीशन इस्तेमाल किया था किसका, सेव एज का। चलो मैं करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। आप बताओ अभी कितना सेव है इनपुट डिवाइस वन में, 6 है ना, मैं आ जाता हूँ और मैं आने के बाद से मैं आ जाता हूँ सेव है में, देखो सेव कर देते तो 10 सेव हो जाता, लेकिन नहीं करना चाहता हूँ अगले वाले, ठीक है, मैं आता हूँ सेव है और सेव है के बाद से इनपुट डिवाइस वन वन, मान लो 11 तारीख का है, बस टाइप कर दिया, और टाइप करने में देखो अब जब जैसे सेव है किया तो पूछ रहा ना कहाँ पे सेव करना चाहते हो, किस नाम से सेव करना चाहते हो, लेकिन अभी सेव कर रहे तो पूछ रहा था क्या, नहीं, एक बार सेव कर लिया और अपने आप सेव होता जा रहा था, सेव होता जा रहा था। चलो कहाँ पर रखना है इसको, चलो डॉक्यूमेंट्स में रखना चाहते हैं, कर दिया सेव। अब देखो मैं आऊंगा यहाँ से क्लोज कर दूंगा, इसको भी हमने यहाँ से क्लोज कर दिया, इसको नहीं सेव करना, वैसे मैं बता रहा था आपको लिखने का तरीका। देखो ये आप देख रहे हैं इनपुट डिवाइसेस इसमें कितना है, 6, लेकिन अभी देखो मैं नीचे आता हूँ, इनपुट डिवाइस 11 दिख रहा है ना आपको, डबल क्लिक क्लियर है। लेकिन सवाल यह कि सर अगर मान लीजिए एक और बढ़ा दीजिए आप इंटर 11, अब 11 में पता नहीं क्या है, फॉर एग्जाम्पल अच्छा, ये बढ़ा दिया हमने, अब आप बताओ ये बढ़ाने के बाद से मैं सोच रहा हूँ नहीं अब ये दूसरे नाम से नहीं सेव करना उसको, इसी में सेव करना, तो बताओ सेव एज करोगे क्या, नहीं, बस लाया फाइल पे गया और सेव कर दिया। लेकिन देखो सेव कर दिया कि हमारा डाटा उतना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ सेव करने के बाद फिर से इसी का सेम एक और डुप्लीकेट बनाना, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फाइल पे जाइए सेव एज, मतलब जितना बार क्लिक करो उतना बार कहेगा नाम अलग अलग, तो ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल किया था सेव एज का। जैसे मान लो डिवाइस मंडे को क्या, ट्यूसडे को क्या, ठीक है, मतलब एक एक करके डिवाइस बनाना है, मतलब किस डे में क्या क्या बनाए हो, लेकिन फाइल हमारा उसी से रिलेटेड होना चाहिए, बस डाटा हमारा बढ़ते जाना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में इसका इस्तेमाल ज्यादा करें, क्लियर है। हाँ अगर अभी उस समय नहीं आता तो बताइए आप लोग, बोलिए कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए आप लोग। जब जी कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है सेव एज करेंगी ना तो प्रेजेंट प्रेजेंट टाइम में जितना डाटा है वो सब सेव होगा, पहले वहां पहले सेव नहीं तभी खुलेगा, तो जाहिर सी बात है जब पहले सेव नहीं है तो एक बार सेव करना चाहिए, सेव करें तो उसका नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मतलब सेव होता है, तो सेव का मतलब भी सेव होगा, सेव एज का मतलब भी डाटा सेव होगा, यही है, सेव एज करें तो हमेशा नया नया नाम पूछा जाएगा और सेव करें तो उसी में सेव होता जाएगा, बस यही अंतर है, क्लियर है। चलिए करेंगे तो आप लोग खुश होने आ जाएगा, ठीक है, एक बार इस्तेमाल तो करिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, तो मैंने सेव भी बता दिया सेव एज भी बता दिया, अब चलो अभी स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, यह ऑप्शन है न्यू, न्यू का मतलब क्या है बोलो, नाम सुने हो ना आप लोग, न्यू, न्यू मतलब नया, ठीक है, नया कब बोलोगे, नया शर्ट पहना हो, नया शर्ट, ठीक
लेकिन इसको निकालना पड़ेगा ना, तब तो पानेगी जी, ऐसी पानूंगा तो उतना सही नहीं रहेगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो देखो ये फाइल हमारा खुला है, बोलो ये फाइल खुला हुआ है, लेकिन अब इस पे हम काम नहीं करना था, जितना काम करना था कर लिए। मैं सोच रहा हूँ नया पेज आ जाए और नए टॉपिक को नए सिरे से बनाना था। ठीक है, एक तो तरीका है कि आप विंडो प्रसार दबा लो, और विंडो प्रसार दबाने के बाद नोट पैड टाइप करो, और नोट पैड टाइप करने बाद एक नया विंडो खुल जाएगा, तब न्यू पेज खुल जाएगा, उस पर काम कर सकते हो। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले से काम कर ही रहा हूँ, जितना काम करना था कर ही लिया, तो कौन जाएगा फिर से विंडो प्रसार दबाएगा, नोट पैड टाइप करेगा, नया पेज लेगा। हम सोच रहे यही तो नया पेज ओपन हो जाए तो बहुत अच्छा रहता। ठीक है, तो मैं जितना काम करना था कर लिया है, बस हम आएंगे फाइल पे और कर देंगे न्यू। अब न्यू करते ही देखो यहाँ पे तीन ऑप्शन पूछा जाता है, सेम डाउन सेव कैसे, मतलब जो आप काम किए हो अब नया मैं पेज खोलने जा रहा हूं तो सेव कर लो, अगर सेव नहीं करना तो डोंट सेव कर दो, अगर गलती से क्लिक हो गया तो कैंसिल कर दो। तो मान लो हमने बोला कि नहीं सर इतना मेहनत हमने काम किया इसको सेव करना चाहता हूं, तो जैसे ही सेव होगा तुरंत नया पेज ओपन हो जाएगा, अब फिर से नए सिरे से काम करो। अब सवाल यह कि सर अगर मान लीजिए इस पे काम करेंगे तो क्या उसी में सेव होगा क्या? नहीं, वो सेव है क्लोज हो गया, वो फिर सब नया खुल गया। देखो लिखा अनटाइटल्ड, अब इसमें क्या बनाना है फिर वो टाइप करिए। ठीक है, तो कोई कहता है सर न्यू ऑप्शन का इस्तेमाल कब करेंगे, तो बताना जब भी हमको नया पेज लेना होता है और उस पर नए सिरे से काम करना होता है तो वहां पे हमेशा दबाते हैं कंट्रोल प्लस ईयर। क्या दबाते हैं? कंट्रोल प्लस ईयर। क्लियर है सबको? चलो अब मुझे काम नहीं करना था, बस ऑप्शन बताना था मैं आपको, देखिए इसलिए मैं इसका यूज बता रहा हूँ, बस मैं क्लोज कर दिया। चलो फिर से मैं उसी को खोलता हूँ क्योंकि उसको समझाना बहुत ईजी है। चलो बड़ा कर देते। अब नेक्स्ट यही पे देखो ऑप्शन दिया है न्यू विंडो। अब न्यू विंडो का क्या काम है? देखो दोनों सेम दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे न्यू और यहाँ पे न्यू विंडो, तो नाम चेंज है तो जाहिर सी बात है शॉर्ट कोड की भी चेंज है, तो कुछ ना कुछ अंतर तो होगा ही होगा। क्या अंतर समझिए, जब हम इस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और काम करते तो मैं नए पेज पे काम करना चाहता हूँ, क्या इसको क्लोज करके नए पे काम करना चाहता हूँ, तो हमेशा हम इस्तेमाल करेंगे फाइल पे जाके न्यू। लेकिन मैं सोच रहा नहीं, जो खुला हुआ है ये रहने देना चाहता हूँ, एक नया और विंडो खोलना चाहता हूँ, उस पर नए सिरे से फिर से काम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए न्यू विंडो का इस्तेमाल करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कॉपी है तो कोई पेज है उस पर लिख रहे हो, लिख रहे हो आप लोग, तो जितना था लिखना था लिख लिए, बोलो जितना लिखना था लिख लिए, लेकिन आप सोच रहे नहीं इस पेज पर नहीं लिखना है दूसरे पेज पर लिखना है, तो आप बताओ क्या करोगे? पन्ना पलटोगे ना, बोलो, तो जाहिर सी जिसको लिख रहे हो तो ढक जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगा और नया पेज ओपन हो जाएगा, उसी पे काम कर ले जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि नहीं दोनों दिखेगा आपको, दिखेगा क्या? नहीं, प्रेजेंटर में एक ही भी तो काम करोगे आप लोग, तो ये पन्ना पलट दोगे तो जाहिर सी तो नया पेज आएगा, आसानी तरीके से काम कर ले जाओगे। लेकिन मैं बोलता नहीं सर दो मैटर बनाना है और दोनों टॉपिक अलग अलग है, तो क्या करोगे? क्या जो बना रहे तो पन्ना पलटर से काम चल जाएगा? नहीं, तुम सोचोगे यार उसके लिए दो कॉपी ले ले, एक कॉपी पहले से है एक और कॉपी निकाल लोगे, तो जो मैटर आपको याद आएगा तो पहले में लिखोगे, फिर से जरूरत पड़ेगा तो दूसरे में लिखोगे, और आसानी तरीके से काम हो जाएगा। मतलब जब मल्टीपल टास्क एक ही टाइम में आपको करने हैं और अलग अलग करने हैं, तो वहां पे तुम सोच रहे हो कि हम बार बार क्लोज ओपन ना करें और एक बार कई सारा विंडो खोल लें, तो पहले पे काम करना तो पहले पे कर लें, दूसरे पे करना दूसरे पे कर लें, तीसरे पे काम करना तीसरे पे कर लें, तो ऐसे कंडीशन में न्यू विंडो का इस्तेमाल, समझे? जैसे मान लो मैं इस पे क्या बता रहा हूँ, इनपुट डिवाइस के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन दूसरा जो पेज आया है उसमें क्या बताना चाहता हूँ, आउटपुट डिवाइस के बारे में। लेकिन ध्यान देना, मैं इसको भी खोला रहना जाना चाहता हूँ, इसको बंद नहीं करना चाहता हूँ, और वो भी खुला रहे, और जो अभी फिर से बनाने वाला वो भी खुला रहे। इसके लिए हम न्यू का ना इस्तेमाल करके देखो विंडो का इस्तेमाल कर, देखिए वो भी खुला ये भी खुला है, एक अभी न्यू का इस्तेमाल कर रहे थे तो क्लोज हो रहा था, तब खुल रहा था। चलो मैं सपोज मैं यहाँ पे आउटपुट डिवाइस के बारे में बताने वाला हूँ, तो लिख दूंगा मेन हेडिंग क्या, टैब 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 लिख दिया आउटपुट। ठीक है बाबू, और आउटपुट डिवाइस से टाइप करने के बाद मैंने टाइप किया तो मैंने बताया सर आउटपुट में क्या है, प्रिंटर है,
इसके बाद क्या है, तुमने बताया यहाँ पे प्रोजेक्टर है, उसके बाद क्या है, मॉनिटर है, ठीक है। ऐसे एक एक करके अलग अलग बना रहा हूं। देखो अब इसमें जितना काम करना कर लिया, मुझे याद आ गया, इसमें फिर से यहाँ पे क्लिक करूंगा, आ गया। बोलो अब कुछ हुआ कहाँ गया, तो परेशान नहीं होना है। फिर से जैसे हम इसको मिनिमाइज करेंगे, और यहाँ पे आने के बाद से देखो बस यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो दोनों दिख रहा है आपको, बस यहाँ पे काम करना, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे करना, यहाँ पे बस एक और चाहिए जी, एक और चाहिए, बस न्यू तीन तो खुल गया। बस यहाँ पे आइए, पहले पे काम करना है, फिर से दूसरे पे काम करना है, फिर से तीसरे पे काम करना है, ऐसे तीनों दिखाई दे रहा है। लेकिन यही मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और क्लिक कर देता हूँ न्यू पे, कहेगा नहीं बाबू मैं तुमको पहले बंद करूंगा तब तो नया पेज खुलेगा, ठीक है। तो दोनों में यही अंतर है, मतलब दोनों में नया पेज ओपन होता है, लेकिन न्यू का इस्तेमाल करते पहले उस विंडो को क्लोज करके नया खोलता है, लेकिन न्यू विंडो का इस्तेमाल करते हैं तो उसको छोड़ के नया जितना बार दबाएंगे उतना बार खुलता जाएगा। तो बनाएंगे आप लोग ना, बोलो। चलिए इसको फिर से ओपन करते हैं और एक और दो और ऑप्शन उसको सीखते हैं। तो यहां तक तो हमने बता ही दिया। अब देखो इसी बीच में ऑप्शन है ओपन, ओपन के लिए शॉर्टकट की। अब कहो सर शॉर्टकट की तो आपने बताया नहीं कैसे यूज करेंगे, तो बस वही है, मान लो नया खोलना तो क्या दबाए जी, न्यू कंट्रोल एन, खुल गया। चलिए मुझे क्या करना है, न्यू विंडो खोलना तो क्या दबाए, कंट्रोल शिफ्ट एन, खुला। बोलो अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, सेव एज करना है तो क्या दबाए, कंट्रोल शिफ्ट यस, काम कर रहा है। ऐसे आप लोग इस्तेमाल कर लोगे, क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे और शॉर्ट कोड की का इस्तेमाल करोगे और भी अच्छे से काम कर सकते हो। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। अब देखो फाइल पे आते हैं और इसी में देखो ऑप्शन है ओपन, कोई बताएगा ओपन का मतलब क्या है, मतलब ओपन मतलब खोलना, खोलोगे क्या बताइए, बोलते हैं ओपन मतलब खोलिए, ठीक है। तो आप बताइए पहले से कोई डाटा रहता था तो बोलते उसको खोलिए, मान लो इसमें दरवाजा ये नहीं, फिर खोलो ठीक है, खुला है, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें भी ओपन का मतलब क्या है, ओपन का मतलब यही है कि अगर पहले से कोई डाटा हमने बना कर रखा है, क्या है, पहले से कोई डाटा बना कर रखा है और उसको इस पेज में ओपन करना चाहते हैं, क्विकली इस्तेमाल करना चाहते हैं, रिक्वायरमेंट आ गया तो उसके लिए हम लोग ओपन कर लेते हैं, ओपन करते ही हमारा डाटा तुरंत यहाँ पे चला। मीन्स क्या मतलब यही है कि फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर काम कर रहा था, लेकिन अब हमको काम नहीं करना है, दूसरे फाइल पे काम करना है। एक तो तरीका है, कहाँ पे आएंगे, जिस पीसी में आएंगे और यह वाला खोलना चाहते यहाँ पे क्लिक करेंगे तो खुलेगा ना जी। और एक तरीका नहीं सर, वही से कोई ऐसा तरीका रहता तो बस मैं यहाँ पे था ही, काम कर ही रहा था, जरूरत है उसकी, बस मैं आऊंगा फाइल पे, और फाइल पे आने वास्ते से ओपन आ गया। किसको खोलना है, गायत्री भाई यस की जो कल बनाया था, बस ओपन आ गया। मतलब इसका यूज उसी समय हो पाएगा जब कोई डाटा हमने पहले से बना के रखा है, मतलब इसका मतलब ये है कि ओपन करिए, क्या ओपन करिए, जो पहले से फाइल बना है उसको ओपन करिए। क्लियर है, हो जाएगा, कर ले जाओगे, ज्यादा तो नहीं हो रहा है क्योंकि तो मैटर हम कम पढ़ा है, ठीक है, ज्यादा चर्चा ज्यादा कर ली है इसीलिए आपको ऐसा लगेगा सर ज्यादा बता दिए। चलो फाइनल कर देते हैं इसको। अगला क्या है, पेज सेटअप, मतलब पेज का सेटअप हम लोग करते हैं इसके सहारे, ठीक है। तो पेज सेटअप उतना अच्छे से आज समझ में नहीं आएगा, फिर भी चलो थोड़ा बहुत बता देते हैं। पेज सेटअप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा बॉक्स खुल जाएगा, तो देखो साइज क्या है इसका, पहले से लेटर, लेकिन जब प्रिंट करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, बाई डिफॉल्ट लेटर में प्रिंट करते हैं, या तो A4 साइज, जो प्रिंटर जो हमारा होता है कौन सा पेपर छापता है, A4 साइज का, देखो चेंज हो रहा है, देखो लेटर में ऐसा आ रहा है, और A4 में पेज का साइज क्या चाहिए, दिख रहा ना आपको, यहाँ पे चेंज हो रहा है। उसका ओरिएंटेशन क्या चाहिए, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। अब पोर्ट्रेट का मतलब क्या है, अगर आप सपोज मान लो डाटा बनाए हो और आप मान लो आपका ये कॉपी है, तो आप लोग जो लिखते हो पोर्ट्रेट में लिखते हो ना आप लोग, और उसी को ऐसे पट कर दो तो उसे बोलते हैं हॉरिजेंटल लैंडस्केप,
देखिए इसका क्या यूज है, कब रिक्वायरमेंट आता है, फॉर एग्जाम्पल कोई कॉपी दे उनको, जैसे आप सपोज मान लीजिए इस समय प्रेजेंट में जो आपका पेज ओपन हुआ है आप लोग ऐसे नॉर्मल लिख रहे हो, इसे बोलते हैं पोर्ट्रेट। क्या है? पोर्ट्रेट है, वर्टिकल, तो वर्टिकल ही हम लोग काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। क्योंकि हमें ऐसा दिक्कत होता है कि मीटर हमारा ज्यादा हो जाता है, फिट में ज्यादा हो जाता है, तो लिखने में हमको दिक्कत होती है। यही कॉपी थोड़ा बड़ा है, छोटा है, इधर करेंगे तो उतना ही मिलेगा, इधर करेंगे तो वो आ रहेगा। इसको क्या करते हैं, ये जो मीटर जितना इधर आ रहा है अगर पट कर देंगे तो उतना ही इधर आएगा क्या? नहीं ना, ज्यादा आएगा ना। अरे यार यहाँ से लिख रहे यहाँ तक इसमें कम मीटर आएगा ना, अरे इसी को पलट दे तो ज्यादा आएगा ना। वैसे जब हम लोग प्रिंटिंग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हाइट से रिलेटेड दिक्कत होता है, और कई बार ऐसा होता है बिट से रिलेटेड दिक्कत होता है। तो जब हाइट से रिलेटेड दिक्कत होती है तो हमेशा रखते हैं पोर्ट्रेट, और जब बिट से रिलेटेड दिक्कत होती है तो वहां पर रखते हैं हमेशा लैंडस्केप। फायदा क्या होता है, जब नंबर ऑफ लाइन ज्यादा हो तो वहां पे पोर्ट्रेट रखेंगे, नंबर ऑफ लाइन कम हो और वहां पे मैटर ज्यादा हो तो वहां पे लैंडस्केप कर देंगे, पर वही पे जो खड़े में दिख रहा है वो पट में हो जाएगा, मैटर थोड़ा तो ज्यादा आ जाएगा। अब क्वेश्चन हम प्रिंटर में लगाएंगे कैसे, तो हम लोग नहीं लगाते, कंप्यूटर से कमांड दे अपने आप प्रिंट होकर दिखा, सेटअप हमको यही से करो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो चलो मैं दिखा रहा हूँ आपको, खुद पता चलेगा। देखो ऐसे खड़े में दिख रहा है इसको, ऐसे पे देखो मैं तुरंत क्लिक करता हूँ, देखो कैसा आ जाएगा, ये जोरा देखो ये ऐसे आ रहा था, देखो ऐसे आ रहा था। ठीक है, तो ऐसा जरूर पड़ेगा, हम लोग प्रिंटिंग करेंगे तब। ये प्रिंटर सेटअप है, तो और भी सेटअप है, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, उतना बेटर तरीके से सेटअप नहीं कर सकते। रीजन क्या है, क्योंकि ये पेज सेटअप उतना बेटर तरीके से नहीं हो पाएगा, अगर शास्त्र में पढ़ाऊंगा तो अच्छे से कर दूंगा। लेफ्ट में कितना देना है, तो बस यहाँ पे लाया और मैं देखो बढ़ा दिया, क्या कर दिया टू आया मार्जिन। राइट से कितना शुरू कर दिया टू, तो जितना देंगे उसी हिसाब से वो लिखेगा, तो इतना यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक जाएगा। अब ऊपर भी मान लो कम स्पेस दे दे तो मैं फिर से बढ़ा देता हूँ, देखो टॉप पे वन कम हो रहा है, बॉटम से भी थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है, टू कर देता हूँ, देखो कितना छोटा हो गया। अब जब भी लिखेंगे तो ना इससे पहले होगा, ना इसके बाद में जाएगा, ना इसके पहले ना इसके बाद में जाएगा, जो ही लिखेगा इसी पेज के अंदर लिखेगा। तो आप बताओ इतना करने से दिक्कत है क्या, नुकसान हमारा है, नुकसान हमारा क्या है, यहाँ पे इतना स्पेस खाली हो जाएगा, यहाँ पे इधर इतना हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर होगा, तो लिखेंगे क्या हम? इसीलिए बाइट पर जो सेटअप रहता है वो छोड़ देते हैं, जब दिक्कत होती है तब इसका सेटअप करते हैं। ठीक है, तो पहले से बाइट पर क्या सेटअप था देख लो, इस समय देखो कैसा हमने कर दिया है, और फिर से जा रहा हूँ यहाँ पे, बताओ कैसा है, समझे ना? तो ना जब प्रिंट ना हो तब यहाँ पे सेटअप करते हैं, जहां जहां पे जैसा रिक्वायरमेंट होता है। क्लियर है, कर लेंगे। और भी है देखो यहाँ पे हेडर और फुटर, हेडर मतलब टॉप पे क्या दिखाना है पेज के, आप फुटर मतलब बॉटम पे क्या दिखाना है, तो आगे टॉपिक है मैं बताऊंगा आपको कैसे इस्तेमाल होगा। और अगला नेक्स्ट क्या है, प्रिंट, मतलब इतना मेहनत से बनाया और मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ इसको, प्रिंट कर दूँ तो क्या करूंगा, फाइल प्रिंट कर, नंबर ऑफ कॉपी कितना चाहिए बस लिख देंगे प्रिंट कर देंगे। नहीं जाते हो आप लोग, कहा जाता कितना कॉपी प्रिंट कर दे, ठीक है तो बनता तो एक ही है ना जी, बस वो लिख देते पांच, तो बस प्रिंट पांच निकल के चला आता है, ऐसा नहीं पांच और बनाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया आल सिलेक्शन पेजेस करेंट पेज, तो सबका यूज सीखेंगे, तो इसमें एक ही पेज होता है इसीलिए लिखा है आल, लेकिन अदर सॉफ्टवेयर जब काम करेंगे ना तो उसमें नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा आएंगे, तो कहाँ से कहाँ तक पेजेस पे क्लिक करके पूछेगा कहाँ से कहाँ तक, करंट पेज या जितना सिलेक्शन किए उतना, तो सारा सेटअप करके प्रिंट किया जा सकता है, हो जाएगा। और लास्ट में है एग्जिट, इसके बारे में आप जानते ही हो, ठीक है क्या मतलब है जी, जब भी कहीं पे गए हैं और वहां से बाहर निकलना है तो हाँ ज्यादातर मॉल में देखते हो आप, ठीक है ना, लिखा रहता है एग्जिट, ठीक है, उनको नहीं पता चलता कहाँ से किधर जाए, ये तो अब लिखा रहता है तो आराम से निकल जाते हैं। ठीक है, एक दिन मतलब इस प्रोग्राम से बाहर निकलना, तो मैं जितना काम करना था काम कर लिया, अब मुझे नहीं करना तो क्या करेंगे यहाँ पे एक दिन बस, और सेम जो है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मान लो मेटर हमने बढ़ा दिया है और अब एग्जिट करें तो एग्जिट करते ही कहेगा बाबू अपना जो भी जूता चप्पल छोड़े हो वो लेके जाओ, तो मतलब हमने बाद में काम किया है और एग्जिट गलती से एग्जिट कर दे रहे हैं, तो कहेगा बाबू इसको क्या करो आप,
सेव कर लो, नहीं तो आपका डाटा नुकसान हो जाएगा। तो लोग नहीं सेव करना, चलो आज छोड़ देते हैं, डोंट सेव कर देंगे। इधर आओ तो, ए उसे बुलाओ जी, बगल में बैठा है लैब में, बुलाओ तो उसको। इसी को खोज रहे थे, क्यों मैं बैठा है, बोली थी कि छोटा सा बच्चा है वो पढ़ेगा आपका। न्याय बैठे क्या आपका, क्यों वहां वहां बैठे थे यार, यहाँ बैठा गए थे ना। हाँ कल यहीं बैठना है और यहाँ पढ़ना। ठीक रहा था वहां से, ठीक है, अब इस समय देखें इसको।